बस उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज के दिन से बेहतर होगा। जैसा कि दोस्तों अभी समय बहुत कठिन चल रहा है, लेकिन हमेशा यह समय नहीं बना रहने वाला है दोस्तों। कल का जो दिन होगा, कभी ना कभी ये कोरोना थम जाएगा और आगे जैसा पहले चलता था वैसे ही चलता जाएगा। सब कुछ इजी और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्य का क्लासेस में। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमें क्लास 11th का सिलेबस कैसे किस स्ट्रेटजी के साथ और किस स्मार्ट प्लान के साथ हमें करना है। तो दोस्तों आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस सिलेबस के तहत, जिसने वो वीडियो इंट्रोडक्शन की जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11th 12th के लिए, उसको देखें। उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। दोस्तों आज हमारा पहला टॉपिक होगा, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, हमें लेसन प्लान 1 के तहत हमें पढ़ना है सिक्वेंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके आफ्टर पढ़ना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके आफ्टर हमें मैथमेटिकल इंडक्शन रूल पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कौन सा, अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सिक्वेंसेस। तो आज की दोस्तों वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, देखते हैं आगे। टुडेज वीडियो डिस्कशन, सबसे पहले हम समझेंगे सिक्वेंस क्या है, टाइप्स ऑफ सिक्वेंस एंड एग्जाम्पल्स उसके कुछ लेंगे, टाइप्स ऑफ सीरीज, सिक्वेंस भी और सीरीज में क्या डिफरेंस है हम वो भी समझेंगे, सिग्मा का मतलब क्या होता है कि सिग्मा आप लोग पहली बार देख रहे हैं या आप लोग पहले से जानते होंगे सिग्मा का मतलब। इसके आफ्टर है हमारा रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कुछ उससे रिलेटेड जो अपने जो होने वाली सीरीज हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, सिक्वेंस है, उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और कुछ कॉन्सेप्ट हमारे क्या है। और उसके आगे फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी की, जिसमें आपका ये चैप्टर दिया गया है, उसको हम लगाएंगे। उस बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपके सामने सिक्वेंस की डेफिनेशन आ रही होगी। सिक्वेंस को पहले आप डेफिनेशन ना देखते हुए एक दो एग्जाम्पल हमसे देखिए। अगर हम कहें 1, 8, 27, 64 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है 1, 8, 27, 64। तो आप लोगों को दिमाग लगाना, एक हमने एक सीरीज लिख दी है, सीरीज नहीं कहेंगे हम इसे, क्या कहें, सिक्वेंस लिख दिया, नंबर्स का अरेंजमेंट लिख दिया, चलो अभी सिक्वेंस भी नहीं कहते हैं, हमने लिख दिया है नंबर्स का अरेंजमेंट, मतलब एक नंबर्स को हमने अरेंज कर दिया कुछ नंबर्स को एक लाइन में। अब आप लोग देखेंगे इसमें क्या लॉजिक है, हमेशा सिक्वेंस में एक लॉजिक छुपा हुआ होगा, उस लॉजिक को आपको पहचानना होता है। लॉजिक देखेंगे, यहाँ पर 1 का क्यूब हो रहा है, यहाँ पर 2 का क्यूब हो रहा है, यहाँ पर 3 का क्यूब हो रहा है, मतलब एक कोई ना कोई लॉजिक है। ये क्या है, ये कंजुगेटिवली नंबर्स के क्यूब को ही हमने लिखा है इस सीरीज में, मतलब अपन ए इसे क्या कह देंगे, और इसी को कहेंगे हम सिक्वेंस, मतलब सिक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर, सिक्वेंस इज लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू एनी फिक्स्ड रूल, कोई भी फिक्स रूल होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक नंबर्स के लॉजिकल अरेंजमेंट दिखाते हैं, उसे हम सिक्वेंस कहते हैं। आप लोग डेफिनेशन देखेंगे, अ सिक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर, मतलब सिक्वेंस एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, हमने कहा क्या कहा था, लॉजिकल नंबर्स का अरेंजमेंट ऑर्डर लिस्ट है नंबर्स की, वेयर ईच टर्म इज ऑब्टेंड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स रूल, जहां पर हर एक टर्म को एक फिक्स रूल के द्वारा निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल में देखेंगे, पहली एग्जांपल लिखा है आपका 1, 4, 9, 16, 25, 36, ए देख रहे होंगे डॉट डॉट डॉट, आगे तक जा रही है, इसका एंड नहीं है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रही होगी ये सीरीज सिक्वेंस। इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, ऐसे ही आगे अपना सिक्वेंस बढ़ता जाएगा। इसके आफ्टर सेकंड एग्जांपल देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 100 तक गया है, मतलब ये फाइनाइट नंबर का सेट है, मतलब सिक्वेंस क्या होता है, नंबर्स का सेट होता है, एक नंबर्स का सेट होता है जिसमें जो नंबर्स होते हैं सभी की प्रॉपर्टीज एक ना एक सो होगी, मतलब सभी का एक ना एक लॉजिकल ऑर्डर होगा। इसके आफ्टर देखो 3, 3.3, 3.33, 3.33, ये हमने क्या लिख दिया,
जब आप 10 को डिवाइड देंगे, अगर 1 डेसिमल तक देखते हैं तो 3.3 आएगा, अगला और डेसिमल देखेंगे 3.33 आएगा, मतलब ऐसे ही एक सीरीज बन जाएगी। उसी सीरीज को क्या कहेंगे हम, अपना सिक्वेंस कहेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको सिक्वेंस समझ में आ रहा होगा, क्लास 10th का भी टॉपिक है सिक्वेंस इज, ब्रीफ कहते हैं एक लाइन में, सिक्वेंस इज अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, लॉजिकल अरेंजमेंट नंबर्स या ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स विथ अकॉर्डिंग टू अ फिक्स रूल, एक फिक्स रूल के द्वारा जैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं सिक्वेंस के कुछ और रिलेटेड देखेंगे टाइप्स ऑफ सिक्वेंस, सिक्वेंस क्या है। तो दोस्तों हमने दो एग्जांपल लिए थे, एक 1, 4, 6 वो 9 फिर 16, 25 वाला, और एक लिया था आपका 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 100 तक। तो पहला टाइप देखेंगे फाइनाइट सिक्वेंस, अ सिक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कॉल्ड अ फाइनाइट सिक्वेंस। आपके एक सिक्वेंस है अगर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, फाइनाइट मतलब एक फिक्स नंबर, मतलब हमने कहा 1 से लेके 1000 तक नंबर की हमने और नंबर लिख दिए, तो वो एक फाइनाइट नंबर का सेट हो गया, मतलब उसका एंड का छोर हमें पता है कि एंड यहाँ पर हो रहा है, एंड का नंबर हमें पता होना चाहिए कि यहाँ तक सिक्वेंस जा रहा है, तो वो कहलाता है फाइनाइट सिक्वेंस। इसके आफ्टर देखेंगे हम लोग इनफाइनाइट सिक्वेंस, इनफाइनाइट सिक्वेंस क्या कह रहा है वो, अ सिक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट फाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट सिक्वेंस वो होगा जो फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट इन द सेंस दैट इट नेवर एंड्स, मतलब जो कि कभी खत्म ना हो। सीधी सी बात है, इनफाइनाइट सिक्वेंस की डेफिनेशन आपके सामने आप लोगों ने पढ़ ली होगी। इसके आफ्टर उसका एक एग्जाम्पल लिखा है 1, 4, 9, 16, 25, 36 आगे लगे हैं डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट तक वो सीरीज जा रही होगी, सिक्वेंस जा रहा होगा, सीरीज कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके आफ्टर हम लोग देखेंगे फाइनाइट सम, सिक्वेंस समझा आपने, फाइनाइट समझा, इनफाइनाइट समझा, बहुत ही ईजी बात है। इसके आफ्टर एक और जो सिक्वेंस बनता है देखते हैं, पहले आप लोग स्लाइड को नहीं देखेंगे, अगर हम स्लाइड लगा देंगे तो कुछ लोगों का ध्यान स्लाइड पर ही जाएगा, स्लाइड को हटा देते हैं हम लोग, देखते हैं पहले तो है क्या। अगर हमने लिख दिया 1, 4, 9, 16, चलो इसमें तो हमें समझ में आ रहा है कि एक कोई सिक्वेंस दिख रहा है, लॉजिक दिख रहा है, लेकिन कभी कभी एक ऐसे नंबर्स का अरेंजमेंट दिया जाए जहां पर लॉजिक समझ में ना आए, जैसे हमने कहा 1, 1 फिर लिख दिया हमने 2, 3, 5, 8 डॉट डॉट डॉट। अब आपको आगे से देख चेक करना है इन दो नंबर्स का कोई लॉजिक आ रहा है समझ में, 1 है फिर 1 है नहीं आ रहा, 1 और 2 का तो समझ में आता है कि ये मल्टीप्लाई 2 भी हो सकता है या आगे का ऐड भी हो सकता है। अब फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस 1 हो गया, अब यहाँ पर प्लस 2 हो गया, तो हमारा ए वाला भी लॉजिक गलत हो गया। हम लोग लॉजिक चेक कर रहे हैं, पहले तो हमें लॉजिक चेक करना है। चलो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, क्या यहाँ से लॉजिक दिखा, यहाँ पर आगे के दो नंबर्स का ऐड हो गया, फिर इन दो का ऐड हुआ तो 3 बना, 2, 3 का ऐड हुआ तो 5 बना, 5 और 8 ऐड होगा तो अगला क्या आएगा 13, मतलब आगे के नंबर्स में लॉजिक नहीं है, आगे के नंबर्स में लॉजिक नहीं है आपकी इस सीरीज में। तो अब हम इसका टर्म क्या लिखेंगे, अगर हम इसकी बात करें 1 है 4 है 3rd में 3 का स्क्वायर 4th में 4 का स्क्वायर, अगर हम इसका एंड टर्म कहें, इसका हम एंड टर्म कहें, एक जनरल टर्म, तो वो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, क्योंकि पहले में पहले का स्क्वायर है, दूसरे में दूसरे का स्क्वायर है, थर्ड में थर्ड का स्क्वायर है, ऐसे ही आगे हम कहेंगे कि इसमें अगर एंड टर्म है और एन का एंड टर्म की वैल्यू क्या है तो वो क्या हो जाएगी एन स्क्वायर हो जाएगी। इसके आफ्टर हम लोग देखेंगे 1, 1, 2 इसमें हम क्या कह सकते हैं एन स्क्वायर, नहीं कह पाएंगे ना, जनरल टर्म फाइंड करना, जनरल टर्म होता क्या है, जनरल टर्म एक ऐसा टर्म है जिसमें एन की वैल्यू रखते हैं तो उस नंबर वाले टर्म की वैल्यू आ जाती है, जैसे हमने कहा किसी का जनरल टर्म क्या है 2n है जनरल टर्म। अगर हम कहें इस सिक्वेंस का हमें 20th टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है, तो n इक्वल के 2 पुट कर देना आपको, मतलब 2 मल्टीप्लाई 20 आपका क्या आ जाएगा 40, मतलब a20 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी, मतलब आपको एक जनरल टर्म सिक्वेंस का कब निकाल सकते हैं
एक जनरल टाइप आप सीक्वेंस का तब ही निकाल सकते हैं जब आपको उसका लॉजिक क्लियरली दिख जाए। अगर हमें उसका लॉजिक नहीं दिख रहा है तो आपको जनरल टर्म फाइंड नहीं किया जा सकता है। अब देखेंगे हम इसमें कैसे लिखेंगे जनरल टर्म को, जनरल टर्म को इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इसका तो हो जाएगा एन स्क्वायर, इसके आफ्टर अगर हम इसको पहले को छोड़ दें तो क्या हमें सिक्वेंस दिख रहा है, ये हमने पहले को क्या कह दिया क्लोज कह दिया तो हमें सिक्वेंस दिखा। अब हम कहते हैं ए वन यहाँ पर फिक्स कह दिया, हमने ए वन को फिक्स कह दिया वन। हमने कहा कि ए टू क्या है, ए टू क्या है वो भी वन है, फिक्स हो गया। हमने कहा ए थ्री है टू, जो कि होता है ए वन प्लस ए टू कहने पर, ए थ्री है टू जो कि हमें फाइंड होता है ए वन प्लस ए टू दोनों को ऐड करने पर, दोनों को ऐड करने। ऐसे हमने कहा ए फोर हमें फाइंड होता है, ए फोर हमें फाइंड होता है ए टू प्लस ए थ्री कहने पर, ए टू प्लस ए थ्री कहने पर। अगर हम यही बात कहें कि ए एक नंबर कम है ए और एक नंबर दो नंबर कम है ए, ऐसे ही अगर हम कहें कि ए एन हमें कैसे फाइंड होगा, ए हो जाएगा एन माइनस टू और ए हो जाएगा एन माइनस वन। देखो थ्री में था वन और टू, उसके पीछे वाले दो, फोर में हुआ टू और थ्री, एन वाला टर्म जो होगा आपका उसमें पीछे के दो कौन से होंगे एन माइनस वन और एन माइनस टू, एन माइनस वन और एन माइनस टू का ऐड। अब हमने ए तो लिख दिया लेकिन ए कहाँ से अप्लाई होता है ए चीज़ हमारी, अप्लाई क्या ए एन इक्वल्स टू वन के लिए हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि एन इक्वल्स टू वन आपने फिक्स कर दिया। अब आप देखो क्या एन इक्वल टू के लिए अप्लाई हो जाएगा, ए टू के लिए अप्लाई नहीं होगा, ए टू के लिए अप्लाई नहीं होगा, मतलब ए अप्लाई होगा एन इक्वल थ्री से, मतलब एन इक्वल थ्री से अप्लाई हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, मतलब एन की वैल्यू थ्री और थ्री से ज्यादा के लिए ए जनरल टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल जनरल टर्म हमारा अप्लाई हो जाएगा। इस जनरल टर्म में थ्री और थ्री से अधिक वैल्यू रखेंगे तो हमारी कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, आगे की सीरीज की वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी। अब ए सीरीज ए सिक्वेंस ऐसा क्यों क्यों इतना अजीब लगा आपको, एक बार ब्रीफ देख लेते हैं, ब्रीफ कह लेते हैं थोड़ा सा। देखो हर हमारा क्या हो रहा था, हमें एक सिक्वेंस दिया जा रहा था, उसमें हमें एक सीधा सीधा लॉजिक दिख रहा था, ऑड है इवन है स्क्वायर है क्यूब है ऐड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ हो रहा है, हमें एक कोई भी रूल दिख जाता था वो सिक्वेंस हो जाता था अपना। अब उस सिक्वेंस का हम उसी रूल के अकॉर्डिंग क्या फाइंड कर लेते थे जनरल टर्म, जैसे टू की टेबल चल रही होगी टू फोर सिक्स से तो हम कह देंगे इसका एंड टाइम है टू एन, हमारा ऑड नंबर्स का चल रहा हो वन थ्री फाइव सेवन तो हम कह देंगे टू एन प्लस वन, अपना एक जनरल टर्म है टू एन प्लस वन में वन रखोगे टू रखोगे थ्री रखोगे तो धीरे धीरे आपको सीरीज मिलेगी वो होगी ऑड नंबर की सीरीज। अब हमारे पास एक ऐसी सीरीज आई जिसका हमें कोई लॉजिक स्टार्टिंग से नहीं दिखा लेकिन हमें सेकंड या थर्ड नंबर से उसका लॉजिक दिखना स्टार्ट हुआ। जब हमें सेकंड या थर्ड नंबर से लॉजिक दिखा कि ये आगे वाले दो नंबर्स का ऐड है तो हमने कहा कि इसका एंड टर्म भी आने वाले दो नंबर्स का सम होगा उससे आगे वाले दो नंबर्स, तो एंड टर्म उसके आगे कौन सा आएगा एक एन माइनस वन मा टर्म आएगा और एक एन माइनस टू मा टर्म आएगा तो उन दोनों का ऐड हो जाएगा ए एन, यही हमने और एक अप्लाई होगा जहां से आपको सीरीज दिखी मतलब थर्ड टर्म से, तो थर्ड टर्म एन इक्वल ग्रेटर देन थ्री से अप्लाई होगा या हम इसी की जगह लिख दें कि एन ग्रेटर देन टू, मतलब टू नहीं यहाँ पर थ्री को इक्वल कह दिया है तो थ्री भी अप्लाई होगा इसमें लेकिन जब हम ऐसा लिख दें तो वो थ्री से ही स्टार्ट होगा, दोनों बात एक ही है। तो अब देखते हैं हम इसकी स्लाइड, अब लिखा है एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर सच एज वन वन टू थ्री फाइव एट, यही क्वेश्चन का लिखा है एग्जाम्पल, हैज नो विजिबल पैटर्न, आपको दिख रहा होगा कि उसमें कोई विजिबल पैटर्न नहीं दिख रहा है, बट द सिक्वेंस इज जनरेटेड बाय द रिकरेंस रिलेशन गिवन बाय, मतलब रिकरेंस रिलेशन इनमें बन रहा है पीछे वाले सम्स का ऐड आगे होता जा रहा है। तो इसमें देख रहे हैं आप लोग ए वन ए टू और ए वन क्या है वन के बराबर हैं, ए वन और ए टू वन के बराबर हैं। अगला देख रहे हैं आपको ए थ्री ए टू और ए वन के बराबर है
और ऐसे ही ए फोर ए टू और ए थ्री के बराबर है, तो हमने उसमें एक जनरल टर्म ए लिख दिया है। उसमें शायद स्लाइड में लाइट आ रहा होगा आपको, तो लास्ट में एन ग्रेटर देन जहाँ पर टू लिखा है स्लाइड में, वो ए वाला जनरल टर्म लिखा हुआ है। दिस सिक्वेंस इज कॉल्ड फिबोनाची सिक्वेंस। ऐसे सिक्वेंस को कॉल्ड क्या कहा जाता है? फिबोनाची सिक्वेंस। क्या कहा जाता है? फिबोनाची सिक्वेंस कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने समझ में आया, सिक्वेंस देखे, सिक्वेंस के टाइप्स देखे, सिक्वेंस के फिबोनाची सिक्वेंस देखा। अब आप लोगों को आगे बढ़ना है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, और छोटे छोटे क्वेश्चंस में ही क्या हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाते हैं। हर एक दूसरे का एग्जाम में क्या देखना पड़ता है, मह देखना पड़ता है। और आप लोग समझते हैं वहां पर कैसी कंडीशन बन जाती है, जैसे दो भूखे भिखारी एक दूसरे की भूख तो समझ पाएंगे लेकिन मिटा नहीं पाएंगे, ऐसे ही वहां पर आमने सामने वालों को आ तो रहा हो, आ नहीं रहा होगा, लेकिन क्या कह सकते हैं, नंबर्स की चाहिए। वैसे तो अभी बोर्ड एग्जाम डिले होते जा रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं वो 11th क्लास, जो अभी 10th क्लास पास आउट हुए उन लोगों के लिए पढ़ा जा रहा है, क्योंकि 11th वाले तो पढ़ चुके होंगे, वो 12th में आ गए होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, सिक्वेंस एंड सीरीज। आप लोगों ने सिक्वेंस को समझ लिया है, सिक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। अ सिक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर विच ईच टर्म्स इज ऑब्टेंड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स रूल। सिक्वेंस की डेफिनेशन, उसमें यूएन से क्या किया गया है, डिनोट किया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है एक कि एक जनरल टर्म है अपना यूएन, वो 2n+1 है, उसका जनरल टर्म दिया गया, मतलब जनरल टर्म को यूएन से दिखाया गया, हम लोग एन से भी दिखा सकते हैं। ए सीरीज और प्रोग्रेसियन, अब देखो सीरीज की डेफिनेशन आ गई है, सीरीज और प्रोग्रेसियन इज अ सम द टर्म्स ऑफ विच फॉर्म अ सिक्वेंस। मतलब सीरीज और प्रोग्रेसियन या प्रोग्रेसियन क्या है, सम है, किनका, उन टर्म्स का सम है जो कि एक सिक्वेंस बनाती हैं, यही लिखा है। अ सीरीज और प्रोग्रेसियन इज अ सम द टर्म्स ऑफ विच फॉर्म अ सिक्वेंस। मतलब अगर हमने एक इसी यूएन के अकॉर्डिंग हम एक सिक्वेंस बनाएं, एन इक्वल 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो हमारी सिक्वेंस जो हमें मिल जाएगी, हमारी सिक्वेंस जो 1 रखने पर 2 1 2+3, 2 रखेंगे तो 2 2 4 1 5 7, हमने कहा था एक ऑड नंबर की होती है 9, तो हमें एक क्या मिल गया, सिक्वेंस मिल गया। दोस्तों आज हम लोग बिल्कुल बेसिक पर ही चर्चा करेंगे, सिक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करना, क्योंकि इस पर आगे इसकी बिल्डिंग बननी है, ये हमारा फाउंडेशन है, इस पर हमारी बिल्डिंग बननी है, किसकी, एपी जीपी की। आगे पढ़ेंगे 3 5, हमें एक सिक्वेंस मिल गया है। अगर हम इस सिक्वेंस को क्या लिख दें, सीरीज के फॉर्म में लिखना चाहें, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इन सब का सम लिखना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, इन सब का सम लिखना पड़ेगा, मतलब बीच में क्या आ जाएगा, कॉमा की जगह पे प्लस में आ जाएगा। मतलब हमने एक सिक्वेंस के टर्म्स को कॉमा हटा के प्लस लगा दिया, तो वो क्या हो गई, एक सीरीज हो गई। सीरीज की डेफिनेशन यही लिखी है आपकी। अगर हम इसको अब समझें, सिग्मा में लिख दें, तो सिग्मा में हम क्या लिख सकते हैं, इसका जनरल टर्म 2n+1, हमने n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट की, 1 से स्टार्ट की, कहाँ तक जाना है पता नहीं है, ये आ गया हमारा सिग्मा फॉर्म में, सिग्मा नोटेशन, यही आपका आर में लिख दिया, एन की जगह पे आर रख दोगे तो आर आ जाएगा यहाँ पर, कोई बात। जब एन इक्वल 1 रखोगे, एन इक्वल 2 रखोगे, एन इक्वल, समेशन का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब हुआ सबके बीच में एडिशन आता जाना, मतलब प्लस आता जाना। इसके आफ्टर आपका लिखा है एंड टाइम इज ऑफन डिनोटेड बाय यूएन सो डैट, फॉर एग्जाम्पल यू इज द फर्स्ट टाइम, ये आप लोगों को पता है कि यूएन से दिखाते हैं या एन से दिखाते हैं। इसके आफ्टर लिखा है सिक्वेंस कैन बी डिफाइंड बाय अ रिकरेंस रिलेशन वेयर यूएन प्लस 1 इज गिवन एज फंक्शन ऑफ लोअर अर्लियर टर्म्स। यही रिकरेंस आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन जो देखा है उसमें आपने जनरल टर्म को दिखाया था, जहां पर n ग्रेटर देन 2 या n ग्रेटर देन इक्वल 3 लिखा था, ए एन इक्वल ए एन माइनस 2 प्लस ए एन माइनस 1 दिखाया था। वहां पर अगर हम n प्लस 1 या n को डिनोट करेंगे तो वो क्या होगा, पिछले टर्म्स का अर्लियर टर्म होगा ना, पहले वाले टर्म्स के बाद के टर्म,
सीधी सी बात है, ये वही यहाँ पर लिखा है कि यू एन प्लस वन क्या है, फंक्शन का लोअर आइडिया टर्म है, मतलब आगे आने वाला टर्म। इसकी आफ्टर आपके सामने स्लाइड आ रही होगी। क्या समझना है हमें, हमें समझना है सिग्मा को, किसे समझना है, सिग्मा। सिग्मा का साइन सबसे पहले जानेंगे आप लोग कि सिग्मा का साइन होता है ऐसा कुछ, और सिग्मा के साइन के नीचे कुछ एन इक्वल या आर इक्वल कुछ वैल्यू, और यहाँ जहां तक वो वैल्यू जाती है तो वहां पर लिखा जाता है। सिग्मा का मतलब होता है सम, समेशन, मतलब सम नोटेशन कहते हैं इसे, किसी भी सीरीज के सम को एक वर्ड में एक टर्म में दिखाने के लिए, आगे हम सब कुछ ना लिखें, एक टर्म में दिखाना हो तो आगे हमें क्या लगा देना है, सिग्मा। अब जहां से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग लिमिट लिखते हैं यहां पर, स्टार्टिंग लिमिट, और ऊपर लिखते हैं एंड लिमिट, जहां पर वो खत्म होती है, जहां तक हमें ऐड करना है एंड लिमिट, स्टार्टिंग लिमिट, एंड लिमिट। अभी आपके पास सीरीज थी, या एक और ले लेते हैं 1 4 9 स्क्वायर की ही सीक्वेंस ले लेते हैं। ये क्या है, सीक्वेंस है, आपने सीक्वेंस पढ़े हैं, ये किसी भी रूल के अकॉर्डिंग सीक्वेंस है। अब हम ले लेते हैं कि एक फाइनाइट ले लेते हैं, ये जा रहा है 8 के स्क्वायर तक, मतलब 64 तक। अब समझना है इसको, हमने सीरीज के टर्म में लिखा, सीरीज में आप लोग समझते हैं सीरीज क्या है, सम्स ऑफ टर्म्स है विच फॉर्म्स एन सीक्वेंस, अ सीक्वेंस, जो कि एक सीक्वेंस का निर्माण कहते हैं, उन टर्म्स का सम कहलाता है सीरीज। सीरीज के टर्म में लिखेंगे तो सम में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और प्लस यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी, और यहाँ कुछ बीच के टर्म होंगे 16 बाद वाले, 25, 36, 49। अब आप लोगों ने देखा सीरीज के फॉर्म में लिख दिया, अब इसी सीरीज को हम दिखाते हैं सिग्मा के फॉर्म में, मतलब सिग्मा सीरीज को ही दिखाने का एक नया तरीका है। अब सिग्मा के फॉर्म में दिखाएंगे तो क्या कह देंगे, आगे सिग्मा, अब सीरीज तो लिखना नहीं पड़ेगी इतनी सारी, इसका हमें जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। इसका जनरल टर्म क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर हो गया जनरल टर्म। अब इसका समेशन n स्क्वायर का कहाँ से, n इक्वल 1 से, समझना बहुत आराम से, n इक्वल 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n इक्वल 8 तक, n इक्वल 8 तक, तो अब ओनली यहाँ पर 8 लिख देना है आपको, n इक्वल 1 to n इक्वल 8। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा यही चीज ओपन होगी, हम सीधी वैल्यू रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस, पहले 1 रख देंगे फिर प्लस लगा देंगे, 2 रखेंगे फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया, हो गया क्या अपना सिग्मा। अब सिग्मा पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा हाई लेवल का देख लेते हैं, ये तो हो गया बहुत बेसिक हिस्सा। अगर हम कहें आपको खोलना है सिग्मा में n इक्वल 1 से इन्फिनिटी तक के लिए 2n-1/2n² इसके लिए आपको खोलना है n इक्वल 1 से n इक्वल इन्फिनिटी तक, ये किसी भी सी सीक्वेंस का क्या है, जनरल टर्म है। क्या कह सकते हैं आप लोग इसमें, n इक्वल 1 रख सकते हैं, n इक्वल 1 रखेंगे पहले नंबर 2 तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 2 × -1 − 1/2 × 1² फिर ऐड आएगा 2 × अब क्या रखोगे, 2 रखोगे, इसी को खोल रहे हैं। अब n इक्वल 1 रख दिया, एक टर्म मिल गया सीक्वेंस का, n इक्वल 2 रख दोगे, −1/2 × 2 रखा है तो 2² ऐसे ही हम लोग 3 रखेंगे, 3 रख दो, आगे डॉट डॉट लगाते जाएंगे, कहीं पर भी एंड नहीं होना है तो क्या है, इनफाइनाइट तक जाना है तो डॉट डॉट लगा देंगे। इसको सॉल्व करोगे 2 × 1 − 2 प्लस 2 × 4 − 1 = 3 और 2² 4² = 8 प्लस, ऐसे ही आपकी सीरीज आगे आ जाएगी 1/2 3/8। जब 3 रखोगे तो कोई टर्म यहाँ पर भी आएगा, मतलब सिग्मा को खोल दिया यहाँ तक। अगर हम ए सिग्मा आपको नहीं देते, हम ए सीरीज देते और कहते आपको सिग्मा के फॉर्म में लिखनी है, तो आप लोग इसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऐसी सीरीज को सिग्मा के फॉर्म में लिखने को कहे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या सीरीज बन रही है।
क्योंकि आप सीरीज कैसे बनाएंगे, पहले तो आपको दो कॉमन लेना पड़ेगा, ये हाई लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। इसलिए ऐसी सीरीज की जनरल टर्म नहीं, पहली बार तो जनरल टर्म पूछने आते ही नहीं है, आपको जनरल टर्म दिया जाता है उसके आफ्टर आपको कुछ क्वेश्चन के टर्म्स निकालने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका सिग्मा पर चर्चा। अब आ गई है सीरीज, सीरीज को जल्दी से पढ़ लीजिए, सीरीज समझा दी गई है। सीरीज को समझा दिया गया, सीरीज में लिखा क्या है, द सम ऑफ द टाइम्स ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। मतलब सीक्वेंस के फाइनाइट और इनफाइनाइट टाइम्स के एड को ही हम क्या कहते हैं, सम को सीरीज कहते हैं। इसके आफ्टर डेफिनेशन लिखी है उसके सीरीज के टाइप्स की, फाइनाइट सीरीज का टाइप क्या हो जाएगा, फाइनाइट सिक्वेंस के टाइम्स का सम, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टाइम्स ऑफ द सिक्वेंस इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीरीज, और द एंड पार्टियल सम पार्शियल टाइम ऑफ द सिक्वेंस एंड इज डिनोटेड बाय। अब देखो अगर फाइनाइट सिक्वेंस है तो वो ए एन ए टू ए थ्री से लेकर ए एन तक आपका एक सीरीज दे सकता है, अगर इनफाइनाइट सिक्वेंस है तो वो सीरीज जो बनेगी उससे ए थ्री डॉट 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 ए एन कहीं बीच में आ जाएगा और वो जाएगा इनफाइनाइट तक। सॉरी दो यहाँ पर बोर्ड में स्लाइड लगी हुई तो साइड में नहीं दिखेगा, हम कैसे लिखे दे रहे हैं, इस साइड को लिखे दे रहे हैं। मतलब क्या कहा हमने, फाइनाइट सिक्वेंस है कोई तो उससे सीरीज बनेगी ए वन ए टू ए थ्री ए एन तक, और कोई इनफाइनाइट सिक्वेंस है तो उससे सीरीज बनेगी ए थ्री ए एन कहीं बीच में होगा और इनफाइनाइट तक आपकी सीरीज जाएगी। अब हमने कहा इसको समेशन के फॉर्म में लिखना है, इसका जनरल टाइम एन, एन इक्वल्स टू वन से कहाँ तक गए, एन तक ही गए, देखो लास्ट टाइम एन है एन तक गए। अगर इसका जनरल टर्म कहें हम एन इक्वल्स टू वन से स्टार्ट हुआ है इनफाइनाइट तक गया है, वो जनरल टर्म है आपका ए एन, जब लास्ट टाइम इनफाइनाइट रखोगे तो ए इनफाइनाइट मतलब अनंत तक सीरीज जा रही, मतलब ये हो गई फाइनाइट सीरीज और ये हो गई इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज देख ली आपने, इनफाइनाइट सीरीज को देख लिया है। अब आप लोग देखेंगे इस नीचे भी इनके क्या लिखे हैं, फॉर्मूले समेशन के रूप में लिखेंगे। अब लास्ट में देख लेते हैं एक सीक्वेंस और सीरीज का सबसे छोटा डिनोशन डिनोट कैसे कहते हैं उसे, और उसका एक अंतर क्या होता है छोटा सा। ए सीक्वेंस इज अ लिस्ट आपका लिखा है, ए सीक्वेंस इज अ लिस्ट मतलब इसका डिनोट कैसे कर रहे हैं, अगर ए एन है और एन इक्वल्स टू वन से इन्फिनिटी तक जा रही है, ए हम लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, मतलब इसका क्या होगा ए वन ए टू ए थ्री ऐसे ही डॉट 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 ए एन तक। अगर हम कह दें ए एन है जनरल टर्म या आर कह दें, ए आर है जनरल टर्म और आर इक्वल्स टू वन से सीक्वेंस जा रहा है इन्फिनिटी तक, जैसे समेशन था वैसे ही क्या है ब्रैकेट है, इसको डिनोट कर रहे हैं हम सिक्वेंस को, ए वन ए टू जाएगा, एन इक्वल टू रखोगे ए टू आ जाएगा, जहां पर आ रहा है वहां पर वन टू रखते जाना है, ऐसे ही डॉट 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 जाएगा इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी तक के लिए ऐसा कुछ लगा देंगे। अब हम देखेंगे आ सीरीज इज अ सम, अब सीरीज क्या है, एक सम है, उसमें लिखा है ए सीरीज इज अ सम, ऐसे ही हम क्या लिख देते हैं, सीरीज के लिए हम लिखेंगे एन इक्वल वन से एन इक्वल इन्फिनिटी तक जा रहा था, यहाँ पर n तक जा रहा था, सॉरी यहाँ पर इन्फिनिटी लगा दिया है, n तक जा रहा था, n इक्वल वन से n तक जा रही है चीज और वो क्या है ए एन, तो ये हो गई हमारी सीरीज, सीरीज इज अ सम, ऐसे ही देख सकते हैं। अगला इसको क्या लिख देंगे ए वन ए टू डॉट 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 ए एन, मतलब प्लस आ जाएगा। सेकंड देखेंगे इस बुक इसका क्या होता है, ए आर इक्वल वन से इन्फिनिटी तक सिक्वेंस है, मतलब सीरीज क्या होगी आर इक्वल वन से इन्फिनिटी तक होगी, सिग्मा आ जाएगा और यहाँ पर ए आर उसका जनरल टर्म, मतलब ए वन ए टू डॉट 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 इन्फिनिटी तक एडिशन चलेगा। मतलब हम डिनोट कैसे कहते हैं, सीरीज को डिनोट कहते हैं ब्रैकेट्स से,
सिक्वेंस को, सिक्वेंस को डिनोट कहते हैं ब्रैकेट से, सीरीज को डिनोट कहते हैं सिग्मा से। सिक्वेंस में हमारा एडिशन सम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है सिक्वेंस में, और सीरीज में हमारे सम की इम्पोर्टेंस होती है। सिक्वेंस में कोई भी एक रूल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन सीरीज में हमेशा एडिशन ही होना है किसी भी सिक्वेंस का। तो ये बात हो गई सीरीज की और सिक्वेंस की, दोनों में डिफरेंस की। इसके आफ्टर देखते हैं अगला क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो बहुत ही फास्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। 30 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, आप लोगों को ऐसे ही बिना बोर होते हुए बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते जाना है। बहुत ही ईजी टॉपिक है। आई होप आप लोगों को सीरीज सिक्वेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। अब आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें, क्योंकि अब हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर वन कह रहा है, राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ इन विच द फॉलोइंग सिक्वेंस डिफाइंड बाई फॉलोइंग। मतलब जनरल टर्म दिए गए हैं सिक्वेंस की। आपका फर्स्ट ए एन इक्वल के 2n+5 है, ऐसा हम बता चुके हैं। हमें फर्स्ट थ्री टर्म चाहिए, मतलब एन इक्वल वन, एन इक्वल टू, एन इक्वल थ्री पर आपके टर्म चाहिए। हम देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। ए एन इक्वल दिया गया है एन माइनस थ्री अपॉन फोर, तो यहाँ पर लिख देंगे बी है, सॉल्यूशन में लिख देंगे बी है ए एन इक्वल इतना। नाउ यहाँ पर क्या लिखा है देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग एन इक्वल के वन टू थ्री, क्योंकि हमें फर्स्ट थ्री टर्म चाहिए, सब्स्टिट्यूट कर देंगे एन इक्वल वन टू थ्री को। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन इसकी बात कर रहे हैं सेकंड की बात। अब एन इक्वल वन रखोगे तो ए वन आ जाएगा, वन माइनस के थ्री अपॉन फोर, एन की जगह पे वन, माइनस के टू अपॉन फोर, माइनस वन बाई टू। ए टू रखोगे टू माइनस थ्री अपॉन फोर, मतलब माइनस के वन बाई फोर। ए थ्री रखोगे थ्री माइनस टू अपॉन फोर, मतलब वन बाई फोर। देन हेंस फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ गिवन सिक्वेंस आर, उसके आगे लिख देंगे माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई फोर, वन बाई फोर, माइनस वन बाई टू, माइनस वीडियो के नीचे चला गया तो लाइन ये ऊपर कह देंगे, मतलब जो हमने बोला है वो आपको ऐसे ही लिखना है। हैंस फर्स्ट थ्री टाइम्स ऑफ गिवन सिक्वेंसेज इतना इतना एंड इतना, ये अपने थ्री टाइम्स आ गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। जनरल टर्म दिया गया था और आपको टर्म्स फाइंड करने थे। इसके आफ्टर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर टू, वॉट इज द 20th टर्म ऑफ द गिवन सिक्वेंस डिफाइंड बाई। हमारा जो सिक्वेंस दिया गया है वो क्या दिया गया है, ए एन इक्वल दिया गया है आपको एन माइनस वन टू माइनस एन, एन माइनस वन टू माइनस एन, थ्री प्लस एन। क्या यही सिक्वेंस है? देखो यही सिक्वेंस आपको दिया गया है। अब वो कह रहा है इसका 20th टर्म फाइंड करना है, लिख देंगे नाउ सब्स्टिट्यूट एन इक्वल्स टू 20 फॉर फाइंड 20th टर्म ऑफ द सिक्वेंस। ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप, लैंग्वेज है अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 20 रखेंगे, 20 माइनस वन हो जाएगा, फिर ब्रैकेट है 2 माइनस 20 हो जाएगा, 3 प्लस 20 हो जाएगा। एन की जगह जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 20 रख देना है, क्योंकि ये हमारा क्या है जनरल टर्म, एक रूल दिया गया है। ए हो जाएगा 19, ए हो जाएगा माइनस का 18, ए आएगा अपना 23, सब मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई कह देंगे आपका ए 20 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो आप लोग कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं, मल्टीप्लाई कह दिए, नहीं तो हम ही कह दे रहे हैं। 18 9 162 हो जाएगा, 2 18 1 18 18 में 16 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 34 माइनस का आएगा ये, और फिर 23 का मल्टीप्लाई करना है, 23 का हो जाएगा 46, ये कितना आ जाएगा 92 और 4 ऐड हो जाएगा इसमें,
तो 96 हो जाएगा, 9 और 23 ये हो जाएगा 69, 69 में फिर 9 ऐड होगा, 69 में फिर 9 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 78, ये आ गया अपना 20 टाइम। तो दोस्तों चेक कर लेना कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो गई मल्टीप्लाई में, आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार रिकॉल कर देना है, ठीक है, ऐसे ही आपको फाइंड करना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, ए सीक्वेंस दिया गया है ए एन डिफाइंड बाय एज फॉलो। तो हियर सॉल्यूशन में जो लिख रहे हैं हम सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, हम क्वेश्चंस को नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आपको क्वेश्चंस को देखना है, सॉल्यूशंस को समझना है। हियर हमारे पास क्या है, ए वन इक्वल्स टू वन है, ए एन इक्वल्स टू क्या दे रहा है, ए एन इक्वल्स टू दे रहा है वो ए एन माइनस वन प्लस टू, किसके लिए, फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो ये हमारे एक कौन सी कंडीशन आ गई, फिबोनाची सीक्वेंस वाली कंडीशन आ गई है जो कि अभी हमने समझाया था, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जा रहे हैं। अब फिबोनाची सीक्वेंस मतलब रिकरेंस प्रॉपर्टी वाली अपने क्या लगना है, कॉन्सेप्ट लगना है यहाँ पर। अब वो कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 टाइम एंड राइट करेस्पॉन्डिंग सीरीज। क्वेश्चन पूरा पढ़िए, पहले 5 टाइम फाइंड कीजिए उसके आफ्टर आप उसकी सीरीज लिखिए, मतलब जो हमारे 5 टाइम आ जाएंगे उनको हम ऐड में लिख देंगे। देखते हैं सबसे पहले 5 टाइम में पहला टर्म तो है बी है, ए वन इक्वल्स टू वन है, अब ए टू करेंगे यहां लिख देंगे पुट एन इक्वल्स टू टू थ्री फोर डॉट 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 डॉट, इसमें इसको मान लेंगे इक्वेशन वन, टू थ्री फोर फाइव, फाइव तक ही फाइंड करना इन इक्वेशन वन, वन में हम टू थ्री फोर फाइव रख रहे हैं इस वाले में रखते हैं, तो ए टू हो जाएगा पहला। तो जब टू रखेंगे तो ये कितना बनेगा, ए वन बनेगा प्लस टू, अब ए वन बनेगा, ए वन की वैल्यू वन है, वन प्लस टू आ गया थ्री, अब ए थ्री रखेंगे तो यहाँ पर थ्री आ जाएगा, यहाँ पर थ्री माइनस वन टू आ जाएगा, प्लस प्लस है क्या हमेशा टू, और ए थ्री ए टू फाइंड किया हमने कहाँ से, थ्री ए टू की वैल्यू है ए आ जाएगा फाइव, मतलब जो यहाँ पर फाइंड करेंगे उससे एक कम वाले में टू ऐड हो रहा है, मतलब पीछे वाले में टू ऐड हो रहा है सिक्वेंस में, समझ में आ रहा होगा। ए फोर में क्या आएगा, यहाँ पर ए थ्री आएगा प्लस टू, ए थ्री की वैल्यू फाइव है प्लस टू कितना हो जाएगा सेवन, ए फाइव में क्या आ रहा है ए फोर प्लस टू, मतलब एक कम आना है उससे ए फोर प्लस टू। दोस्तों अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको बोर्ड पे, और एक एक स्टेप हम लोग बढ़ते जाएं। जो ए एन इक्वल के टू रखा ए टू, एन इक्वल के थ्री रखा ए थ्री, एन इक्वल के फोर रखा ए फोर, एन इक्वल के फाइव रखा तो एन ए फाइव आएगा, पर जहाँ पर ए फोर प्लस टू होगा इस टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि फाइव रखेंगे तो यहाँ पर फाइव माइनस वन क्या हो जाएगा फोर प्लस टू, ए फोर प्लस टू, अब ए फोर की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड की पिछले सेवन प्लस टू इक्वल नाइन, अब आ गए हैं आपके कॉन्जिकेटिवली टर्म थ्री फाइव सेवन नाइन टू थ्री फोर फाइव, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा टर्म आ गया है आपके ए सारे टर्म। अब क्या कहना है, एक लिखना है फाइंड फर्स्ट फाइव टाइम, हमने फाइंड कह लिए, देन सीक्वेंस लिख देना है और सीरीज लिख देना है, इसके आफ्टर नीचे लाइन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देन यहाँ पर लिख देंगे आप सीक्वेंस, सीक्वेंस में आ गया आपका वन थ्री फाइव, वन दिया गया था थ्री फाइव सेवन नाइन डॉट डॉट आगे हो सकती है सीक्वेंस, सीक्वेंस कहाँ तक कह रहा है, ग्रेटर देन टू के लिए कह रहा है, टू बहुत आगे जा सकता है, सीरीज कह सकते हैं आप वन थ्री फाइव सेवन नाइन डॉट डॉट, उसने ये नहीं कहा है कि सीरीज फिफ्थ टाइम पर ही खत्म हो गई है, उसने ये कहा था कि फर्स्ट फाइव टाइम याद कीजिए फाइंड कीजिए, हमने पहले 5 टर्म फाइंड किए उसको किस में लिख दिया सीरीज में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है राइट करेस्पॉन्डिंग सीरीज, करेस्पॉन्डिंग सीरीज उसी सिक्वेंस के लिए सीरीज हमने एडिशन में लिख दी, क्योंकि सीरीज क्या होता है सिक्वेंस का ही सम।
क्वेश्चन नंबर अगला एक्सरसाइज 9.1 देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज आपकी 9.1 एंड हो जाएगी सिर्फ 3 मिनट के अंदर, बहुत ही इजी है, पूरा सब कुछ आपने एग्जांपल में समझ लिया है। फाइंड द फर्स्ट 5 टाइम ऑफ ईच ऑफ सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6, मतलब 1 to 6 जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपको पहले 5 टाइम ज्ञात करने, आपको ए एन की वैल्यू जनरल टर्म दिया गया है। देख लीजिए आपको 6वां क्वेश्चन बता देते हैं हम, 6 टाइम 6 क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है लेकिन है कुछ नहीं, ए एन इक्वल दिया गया है, ए एन इक्वल दिया गया है एन एन स्क्वायर प्लस 5/4, मतलब एन राइट एन स्क्वायर प्लस 5/4, मतलब जैसे एक लिखा होता था 2 राइट 1/2 ऐसे ही लिख दिया है एन एन स्क्वायर प्लस 5/4। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4n हो जाएगा और a ऐड हो जाएगा, 4n क्या होता था 2 2 4 5/2, 4n मल्टीप्लाई प्लस n स्क्वायर प्लस 5/4, आपका ये फाइंड हो गया है। अब आपको इनमें n इक्वल 1 2 3 4 5 रख देना है, पुट n इक्वल्स टू 1, इस फिक्स क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हैं, n इक्वल 1 2 3 4 5, तो n इक्वल 1 पर a 1 आ जाएगा आपका, 4 into 1 4, 1 का स्क्वायर 1, 5/4 4 1 5 5 10/4 आ जाएगा, 10/4 का मतलब 5/2। अब a इक्वल के 2 रखोगे तो n इक्वल टू 4 2 8, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जो रखना है आपको इस इक्वेशन में रखना है n इक्वेशन 1, 4 + 5/4 8 4 12 5 17/4, ऐसे ही आपके n इक्वल के 3 पर, n इक्वल के 4 पर, n इक्वल के 5 पर आपके पहले 5 टर्म कॉन्सिक्वेंस के आ जाएंगे। सिक्वेंस का आपको एक जनरल टर्म दिया गया था, अगर ये सिक्वेंस दिया जाता और जनरल टर्म फाइंड करने को कहते तो ये नहीं हो पाता, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एक जनरल टर्म का। आगे बढ़ते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको हो जाएंगे, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, नोट डाउन कर लीजिए, बुक में होंगे। अगला है आपके रिकरेंस वाले, रिकरेंस वाला क्वेश्चन एक लिखवाया है आपको, देख सकते हैं पहले 11th क्वेश्चन में है, ए वन इक्वल के 3, ए एन इक्वल के दिया गया है, एन इज ग्रेटर देन 1 पर आपको 5 टर्म ज्ञात करने हैं, मतलब ए वन दिया गया है और आपको ए टू ए थ्री ए फोर और ए फाइव फाइंड करने हैं, तो ए वन का यूज हो जाएगा जब ए टू फाइंड करेंगे, ए टू का यूज होगा ए थ्री फाइंड करेंगे, ऐसे ही आगे आपको फाइंड होते जाएंगे। 12th क्वेश्चन 13th क्वेश्चन में 2 वैल्यू दी गई हैं ए वन और ए टू, तो आप लोग एन इक्वल 3 पुट करोगे। 13th क्वेश्चन थोड़ा बता देते हैं, आप लोग ही करेंगे उसे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने बता दिया है, ए वन ए टू इक्वल है आपका 2 में और आपको एक इक्वेशन दी रही ए एन इक्वल दिया जा रहा है ए एन माइनस 1 प्लस नहीं माइनस है माइनस 1 फॉर एन इज ग्रेटर देन 2, एन इज ग्रेटर देन 2 के लिए तो यहाँ पर लिख दोगे पुट एन इक्वल टू 3 4 5, क्योंकि 5 तक ही टाइम ए वन ए टू दिए गए हैं, जब एन इक्वल 3 रखोगे तो ए 3 हो जाएगा और ए 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 1 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो ए 2 की वैल्यू रख दोगे 2 माइनस 1 ए 1 आ जाएगा, ऐसे ही ए 4 निकालोगे ए 4 में क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा माइनस 1, ए 3 की वैल्यू आई 1 0 होते जाएंगे, इजी है ना। ए 5 रखोगे तो ए 5 बराबर ए 4 माइनस 1 हो जाएगा, वहाँ पर 0 माइनस 1 माइनस 1 चला जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड द सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय ए वन ए टू दिया गया है, ए एन की वैल्यू दी गई है और एन इज ग्रेटर देन 2 पर अप्लाई होगी, ग्रेटर देन 2 कह रहा है ना कि ग्रेटर देन इक्वल कह रहा है, मतलब 2 से स्टार्ट नहीं कहना है, 2 से आगे स्टार्ट कहना है। ए वन ए टू की वैल्यू है 1, ए एन की वैल्यू है ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस आपकी 2 फॉर एन इज ग्रेटर देन 2,
एन इज ग्रेटर देन टू पर, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नीचे अलग एक सीरीज दी गई है ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, फाइंड करना है ए एन प्लस वन अपॉन ए एन फॉर एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव तक हमें ये चीज फाइंड करनी। पहले तो हमें इसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए, ए एन की वैल्यू चाहिए, ए एन की वैल्यू दी गई है हमें ए एन प्लस वन और ए एन की चाहिए। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ए वन ए टू के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसको अरेंज कर दें क्या, जगह हो जाएगी बोर्ड पर, देखते हैं। पहले हमने वन पुट कह दिया, लाइन आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, तो वन के लिए नहीं है, ए लिखा है टू से स्टार्ट, टू के बाद थ्री पुट किया, ए टू हो जाएगा ए थ्री माइनस वन टू, और थ्री माइनस टू हो जाएगा वन, ए टू की वैल्यू और ए वन की वैल्यू वन, वन प्लस वन आ गया कितना आ गया टू। ए फोर निकालना है आपको, फोर रखोगे तो क्या आ जाएगा थ्री और टू, थ्री टू कितना आ जाएगा, थ्री की निकाली है टू और टू की थी वन, ए टू की थ्री। ए फाइव निकालेंगे, ए फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइव रखो यहाँ पर, फाइव माइनस वन इक्वेशन बने से मान के इसमें रख रहे हैं हम, फोर ए थ्री, ए फोर हमने निकाला थ्री, ए थ्री हमने निकाला टू, तो ये आ गया फाइव। ऐसी ए किसकी निकालोगे, ए सिक्स की निकालोगे, ए सेवन की निकालोगे, क्यों निकालोगे सेवन तक, क्योंकि उसमें कहा गया है एन प्लस वन, फाइंड में एन प्लस वन, जब एन की फाइव वैल्यू रखोगे तो ए सिक्स बनेगा मैक्सिमम, मतलब ए सिक्स तक ही आपको जाना है। ए सिक्स निकालते हैं, ए सिक्स रखोगे तो फाइव प्लस फोर कितना हो जाएगा, ए फाइव प्लस ए फोर, ए फाइव की वैल्यू फाइव, ए फोर की वैल्यू थ्री, क्या हो गया एट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमारी ए वन से लेकर ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स पहले ही जैसे क्वेश्चन है हमने पूरी वैल्यू निकाल ली है, सिक्स तक ही क्यों निकाली, क्योंकि अब हमें जो फाइंड कहना है उस पर आते हैं। यहाँ पर समझा देते हैं आप लोगों को, जो फाइंड कहना था ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, क्या यही फाइंड कहना था, लिख देंगे नाउ वी हैव टू फाइंड ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। यहाँ पर स्क्रीन आपकी थोड़ी नीचे समझा देते हैं, यहाँ पर सही आएगा। अब एन इक्वल्स टू वन, यहाँ पर पुट एन इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव तक रखना है, तो वन रखोगे तो ए टू अपॉन ए वन आएगा एन इक्वल्स टू वन पर, एन इक्वल्स टू टू पर आपका ए थ्री अपॉन ए वन आएगा ए टू, समझ आ रहा है, एन इक्वल्स टू वन पर ए टू अपॉन ए वन आएगा। एक हटा देते हैं, क्या लिखना, ऊपर तो लिख दी है लाइन आपने एन इक्वल्स टू वन टू थ्री, ए टू अपॉन ए वन में यहाँ से वैल्यू देखनी है वन अपॉन वन वन, ए थ्री ए टू में ए थ्री की वैल्यू देखना है टू और ए वन की वन टू अपॉन वन टू। ऐसे ही आप लोग एन इक्वल के फोर रखोगे, एन इक्वल फोर जब रखोगे इसमें तो एन इक्वल फोर पर आ जाएगा आपका ए फाइव अपॉन ए फोर, क्योंकि नीचे से ऊपर वाला टर्म एक आगे वाला टर्म है, तो पहले फोर टाइम ऊपर फाइव टाइम। अब ए फाइव अपॉन फोर में ए फाइव की वैल्यू देख लो, ए फाइव की वैल्यू ए रही और ए फोर की ए रही, ए फाइव की फाइव अपॉन थ्री। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को थोड़ा ब्रीफ कहते हैं, क्वेश्चन था आपके पास ए कंडीशन थी, ए कंडीशन थी आपको गिवन, एक कंडीशन थी गिवन, इन कंडीशंस के बाद वो कह रहा था हमें इसके लिए एन इक्वल्स टू वन टू फाइव निकालना है। इसके लिए हमने पहले निकाले ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स, फाइव के लिए हमें ए सिक्स की चाहिए था तो ए सिक्स तक गए। अब इसमें हमने वन टू थ्री फोर रखा तो हमारे सभी टर्म्स का यूज हुआ और टर्म्स हमने पहले ही फाइंड कर लिए। तो दोस्तों ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 9.2 तक की चर्चा पूरी, बहुत ही कम टाइम में आप लोगों ने पूरी एक्सरसाइज एक विथ एग्जाम्पल विथ कॉन्सेप्ट कर लिया है। अगले क्वेश्चन अगले टॉपिक पर हम लोग किस में आएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे। तो दोस्तों
यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और जिसने भी वीडियो को एंड तक देखा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, सभी के साथ जो कम्युनिटी होती है उन सबको शेयर करेंगे। तो आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों।